या ऐसे वाले होटल्स में आते हैं जो कि थोड़ा बहुत हायर साइड पे है। तो गाइज यहाँ पे मैं शाउट आउट देना चाहूंगा TNE को, जिन्होंने हमारा अबूधाबी का ट्रिप प्लान किया है। जो भी एक्टिविटीज और जगहें हमने यहाँ पे देखी हैं वो इन्होंने ही प्लान की है। तो अगर आप भी चाहते हैं बेस्ट पैकेज अपने लिए तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है Day 3 हमारा अबूधाबी में और आज हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। ये है मिलेनियम प्लाजा हमारा होटल जो कि डाउनटाउन में है और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से रियास आइलैंड और रियास आइलैंड में हम रहने वाले हैं Next 3 days। और आज हम लोग जाने वाले हैं और एक्सप्लोर करने वाले हैं फरारी वर्ल्ड, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। थोड़ा सा नर्वस भी हूँ लेकिन एक्साइटमेंट ज़्यादा है क्योंकि फरारी वर्ल्ड के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देख रखा है। तो अब हम लोग क्विकली जो है उबर बुक करेंगे और यहाँ से जाएंगे रियास आइलैंड। तो यहाँ पे अगर आप हिल्टन या ऐसे वाले होटल्स में आते हैं जो कि थोड़ा बहुत हायर साइड पे है, तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये लोग आपको एक्सेस देते हैं पार्क्स का, जैसे कि फरारी वर्ल्ड और वार्नर ब्रदर्स या वाटर वर्ल्ड भी, तो आप उसको ले सकते हैं। और इनके शटल्स भी चलते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट का भी टेंशन नहीं है। आपको यहाँ पे होटल में आना है, एक प्लेस है जहाँ पे शटल्स चलते हैं और वहाँ से आप जा सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं इन सारी जगहों को। वेलकम गाइज टू हिल्टन रियास आइलैंड अबू धाबी और ये हमारा होटल रूम है हिल्टन में और आप देख सकते हैं 5-star प्रॉपर्टी है। कितना ब्यूटीफुल टॉयलेट है, यहाँ पे एक जकूजी बाथटब है, यहाँ पे शावर एरिया है, यहाँ पे एक सेपरेट एरिया दिया गया है जहाँ पे आप अगर इस्त्री विस्त्री करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे एक लॉकर है, कुछ ड्रॉअर्स है जहाँ पे आप चीज़ों को रख सकते हैं। यहाँ पे एक जायंट मिरर है और यहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं अपना। यहाँ पे पानी की बॉटल है, कॉफ़ी वगैरह है। यहाँ पे एक बढ़िया सा टीवी भी है, आई होप कुछ आए देखने लायक। यहाँ पे एक सोफ़ा है जहाँ पे आप कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं, एक टेबल है और यहाँ पे है जायंट किंग साइज बेड। और यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू, जिसका पूरा पैसा है जो है बे व्यू है। कितना ब्रिलियंट लग रहा है देख के, कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से बे व्यू देखने में। तो गाइज अब जो प्लान है बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमने होटल में चेक इन कर लिया है, हमको अर्ली चेक इन भी मिल गया है। अब कुछ 11 बज रहे हैं और यहाँ से हमको जाना है फरारी वर्ल्ड, जिसका ओपनिंग टाइमिंग है 12 बजे। यहाँ से शटल्स भी अवेलेबल है और जो पार्क एक्सेस है वो हमको होटल से ही मिल रहा है। तो अगर आप पार्क एक्सेस वगैरह करना चाहते हैं रियास आइलैंड में तो चेक करिए कि होटल में आपको पासेस मिल रहे हैं कि नहीं, उसके बाद आप चेक इन करिए बिकॉज उसमें आपको इकोनॉमिकली बेटर पड़ता है। तो थोड़ी देर हम लोग अब रेस्ट करेंगे, उसके बाद शटल यहाँ से हमको लेके जाएगी फरारी वर्ल्ड में और वहीं पे रियास मॉल भी है तो वहां पे भी हम जाएंगे और उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। ज्वाइन करते हैं आपको कुछ टाइम में।
तो गाइज यहाँ पे हमारा फरारी वर्ल्ड का टूर जो है वो खत्म होता है एंड आई होप आपको पसंद आया है ये वीडियो। और कुछ कुछ ऐसे राइड्स हैं मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा, जैसे कि रोसो है और जूनियर और बिगर वर्जन भी। तो बिगर वर्जन था, आज बंद था, इसके लिए हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए। इसके अलावा फ्लाइंग ओवर इटली है, पहला इटालिया है। उसके अलावा गो कार्टिंग आप कर सकते हैं, गो कार्टिंग पेड राइड है, उसको आपको करना डेफिनेटली है। उसके अलावा स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ मैजिक, ऐसा एक 3D 4D काइंड ऑफ राइड है जिसको आप कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे लगा बहुत ही बढ़िया सेटअप है। डेफिनेटली अगर आप अबूधाबी आ रहे हैं तो इसको एक्सप्लोर करिए, एंजॉय करिए अपने फैमिली के साथ। और कल जो है हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं वार्नर ब्रदर्स को, और अब हम लोग पकड़ेंगे अपनी शटल को और जाएंगे अपने होटल। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, आपसे मिलने आऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।